खबर रीवा जिले से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत साई मंदिर के पास विक्षिप्त महिला से कुछ लोगों के द्वारा अश्लील हरकत की जा रही थी, जिसका विरोध रास्ते से गुजर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया तो विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि जैसे ही शिकायत करने वाले थाना पहुंचे तो पीछे से पहुंचे लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मामला शांत करवाया और दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं बीच बचाव करने पर मारपीट में घायल दिव्यांशु गौतम को, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। बड़ा बवाल था, पब्लिक खत्म हो गई इस बात, मतलब थाना सामने है, पकड़े नहीं जाए पकड़ दिया, क्या बात है, कौन मारे हैं, क्या बात है भैया? साईं मंदिर के सामने एक विक्षिप्त महिला पड़ी हुई थी, उस महिला के साथ कोई लड़का वहाँ पर पटांग हरकत कर रहा था, कुछ व्यक्ति अपने कार्यकर्ता वहाँ से निकले, उन्होंने देखा तो उसको रोकने का प्रयास किया, जब रोकने का प्रयास किया तो दुकान से रॉड निकाल करके मारने के लिए दौड़ा, इस बीच में किसी दूसरे सज्जन ने उसको पीछे से पकड़ा, तभी पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि आप लोग थाने चलिए, थाने चल के जो भी हो वहाँ पर मामला शांत कराते, थाने आए बाहर बैठे हुए थे, यहाँ पर हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि सामने वाले पक्ष से कोई आ जाए और जो भी विषय हो क्लियर हो, इतने में ये कोई सज्जन है वो आए और आकर के सीधे एकदम से लपट पड़े कि मेरे भाई को मारे हो ये वो सारी चीज़ें, और बालकृष्ण जी थे आप लोगों से बिल्कुल लपट पड़े, मैंने बीच बचाव किया मुझसे भी लपट पड़े, थाने के जस्ट सामने की ये घटना, थाने परिसर मैंने मारपीट हुई। नाम क्या है आपका? दिव्यांशु गौतम, कहाँ के रहने वाले? बजरंगल जिला से।